जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं एक सब्जेक्ट फेरदौस मंडल और आप लोग हाजिर हो प्रीडिफेंस एकेडमी में। दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया और आप लोगों को भी बहुत सारा तकलीफ है और उसका तो बयां हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि इतना लड़का लड़की का जो दुख है वो मुझे भी मतलब बहुत दुखी करता है। मैं खुद एक एक सोचा हूँ, मेरा भी सर्विस पूरा नहीं हुआ तभी मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद मैं सोचा कुछ बंदा का हेल्प किया जाए और उन लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग अभी प्रशिक्षण भी ले लिया। अभी गवर्नमेंट की तरह वो लोग गवर्नमेंट के क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं पा रहे। ऐसे एक बंदा है हमारे पास, मेरा स्टूडेंट है, अभी उसके क्या प्रॉब्लम है वो हर टाइम बोलता है। वो भी मेरा वीडियो देखता है, वो बोलता है सर आप सिर्फ अकेला बोलते हो, बहुत सारा बंदा गाली भी देता है, अकेला मत। हम लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जितना जल्दी ये फॉर्म लेके आएगा हमारा प्रॉब्लम परेशानी इतना दूर तक है वो खुद उबाया कर। तो सलीम बताओ, मेरा नाम है सलीम धरानी। आज जो है हम बांग्ला में बोल रहे, लेकिन हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है उनके लिए हम बांग्ला में बोल रहे। आज जो 3 साल हो गया, आज के जो 3 बचर हो गया एसएससी कोनो खबर नहीं। तो बंधुरा ये कोनो कारण कोनो किच्छु करा नहीं, ये तो पुरोपुरी दायी सरकार। সরকার যদি না বার করছে তো আমরা কি করে ভাই চাকরি করব? আমি 3-4 বছর ধরে আমরা এত যে খেটে করলাম, এই আমাদের ফেরদৌস স্যার আমাদের পিছনে অনেক খেটেছে, কিন্তু আমরা এতেও কিছু করার নেই, কারণ রিক্রুটমেন্ট বেরোচ্ছে না। 2015 সালে 4 অক্টোবর আমি রিটেন এক্সাম দিয়েছিলাম কিন্তু ওতে ফেল করেছি। তো যাই হোক, 3 বছর হয়ে গেল, তারপর থেকে সেরকম গাইডেন্স পাইনি। তো তার জন্য আমি ভালো করেই পড়ছি। তো যাই হোক, এখনো বেরোচ্ছে না। কেন বেরোচ্ছে না আমাদের প্রশ্ন সেটাই, কারণ আমরা 3 বছর অনেক টাকা অনেক ই করে অনেক এদিক ওদিক করে টাকা অনেক খরচা হয়েছে, তাও কিন্তু বেরোচ্ছে না। এতে কি এরা কাদা কে দায়, আমি না সরকার? এটাই ভাই প্রশ্ন। তো সবাই সব যত জামানো আছি সব এক জায়গায় হয়ে আমরা আন্দোলন করি যে আজকে এসএসসি জিডি কেন বেরোচ্ছে না, শুধু এসএসসি জিডি কেন, টোটাল টোটাল রাজ্য থেকে আরম্ভ করে সেন্ট্রাল থেকে আরম্ভ করে সব টোটাল কেন এখন বেরোচ্ছে না, এত দেরি কেন হবে, প্রশ্নটা এখানে। তো স্যার কি বলবে? দেখো ভাই, ইসকে উসকা মা ভি গুজর গয়া হ্যায়, মুঝে মালুম হ্যায়। আবি উসকা ঘর মে উসকা বহন হ্যায়, উসকা পাপা বাহার কাম কে লিয়ে জাতে হ্যায় কলকাতা কে আন্দর। শায়দ উসকা ঘর মে মাই বহুত বার সুনা হু, 2-4 গাই হ্যায় तो गाय को सेवा करते हैं और उधर से कुछ मिल का आता है वो बेच के उसका संसार चलता है। तो उसका माँ भी ये देखते देखते गुजर गया, लड़का कब खुद के पाए खड़ा होगा। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही सेलिम का प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सबका प्रॉब्लम है। तो आवाज़ तो उठाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। जब तक नहीं आप लोग बोलोगे तब तक ये प्रॉब्लम चलता ही जाएगा। थैंक्स एनडीटीवी को सर, पर एनडीटीवी ने भी आवाज उठाया पूरा। हम लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट हर टाइम चुबा के लिए ही काम करता है, इलेक्शन के टाइम भी ये सेम काम बोलता है। अभी भी इलेक्शन आ गया, अभी तो ये गांव में कोई रोड नहीं है ना जो गांव वाला सब इकट्ठा होके बोल दे हम लोग वोट नहीं देंगे जब तक ना ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जुबा को कौन इसका दर्द को बांटेगा? हां सर, जेटा बोले छे ठीक ही बोले छे, किंतु एबेरे যদি না বের হয় তো কি করব আমরা? এছাড়া আর আমাদের কিছু করার নেই, জঙ্গির খাতা নাম লেখানো ছাড়া আর কি করব ভাই? ऐसा नहीं होता, आप जो बोल रहे हो ये ठीक नहीं है জঙ্গি। अरे ऐसा बात नहीं है, तब सर का करेंगे आप? तब नहीं निकलना तो का करेंगे सर? अरे यार आप विश्वास रखो हमारा संविधान को, आप ये करो। लेकिन मेरा उम्र तो चले जा रहा सर, मेरा उम्र तो चले जा रहा, तब हम क्या करेंगे?
अभी आप बोलो इसका आंसर क्या दे हम। अब बोलो ये बंदा मेरे पास लगभग लगभग छह से सात महीना है सर, हमने ये बहुत लड़का है सारा ऐसी काई निकल रहा है, अभी काई निकल रहा है, सब पूरा उम्मीद है कि हम लोग ये नौकरी मिल जाएगा, लेकिन हमारा पूरा फुल प्रिपरेशन है, लेकिन हम लोग क्या करें अभी? हम तो अभी मेरे मैं खुद ही बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इसको सिखाया है, आज ही कोई फॉर्म आएगा एसएससी कांस्टेबल जीडी का तो आज इसको सर्विस मिल जाएगा। मुझे मालूम है मेरा कौन सा स्टूडेंट कैसा है, इतना भी खराब स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ ये लोगों को एक राइट वे नहीं मिला था अगले साल जब ये लोग सर्विस के लिए गया था। अभी सिर्फ मैं एक वे देखा, मैं तो वे देख सकता हूँ कि कैसे प्रोसेस आप किया सकते हैं, पर सर्विस तो आपको गवर्नमेंट ही दे सकते हैं भाई, तो गवर्नमेंट कब दे सकते हैं? दोस्तों आप लोग इसके लिए प्रतिवाद करो, आप प्रोटेस्ट करो, आप आवाज उठाओ, आप सब इकट्ठा हो, जो हम लोगों को सर्विस देना ही है क्योंकि हम लोग स्वाधीन देश का है, हमारा देश फ्रीडम है, अभी हम लोगों का जानने का पूरा अधिकार है, पर ये लोगों का मालूम नहीं है कौन सा रोड में जाए। शायद मुझे भी, शायद क्या 100% मुझे भी मालूम नहीं है, किसी को आप लोगों का मालूम है तो प्लीज आप लोग भी कमेंट में डाल दो सर इस रोड में जाके ये लड़का लोगों को बचा लीजिए। अभी क्या करें बोलो, इतना थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे, सिर्फ हमारा वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, अभी असम त्रिपुरा वो भी बांग्ला भाषी राज्य है, पूरा इंडिया से फोन आता है सर एससी। सर प्लीज आप जो अधिकारी देख रहे हो, ये लड़का लोगों का उम्मीद बहुत टूट रहे है, बहुत परेशान के अंदर है ये लोग, प्लीज सर जितना जल्दी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व करो और जितना जल्दी पारो ये लोगों का फॉर्म निकाल लो और जल्दी जल्दी ले लो, क्योंकि इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा जवान जो यंग बैच है ये लोगों का डिमोटिवेट नहीं होगा, दूसरा वे भी नहीं जाएगा, ये लोग शिक्षित है, ये लोगों का जरूरत है, ये लोग शांति प्रिय आदमी है, ये लोगों को चाहिए, ये लोग तो किसी के भीख नहीं मांग रहे है ना, ये लोग कंप्लीट करके लेगा, हर बंदा चाहता है वो अगले बार फेल किया था कोई बात नहीं, पर इस बार वो जरूर पास कर जाएगा, पास नहीं करेगा तो किसी के ऊपर अंगली नहीं उठाएगा ना, जो मेरे से नहीं हुआ, पर उसको तो मौका मिलना चाहिए, अभी मौका नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? सर जी आप देश बाद में आगे बढ़ाओ, पहले जो नौकरी दिला दो, जो शिक्षित बेकार आदमी है वो लोगों का थोड़ा नौकरी मिला दो, देश बाद में आगे बढ़ाओगे, ये लोग सर्विस में आएगा तो कंधा में कंधा लगा के काम करेगा तो देश ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। आर्मी में 3 बार किए थे लेकिन 2 बार फेल हो गए, 1 बार मेडिकल में फेल हो गए, लेकिन आर्मी का एक तो ऑफिसर ने बोला बेटा तेरे पैरामिलिट्री में जाओ, वही के लिए हम फुल फिल प्रिपेयर्ड होके आज 2 साल हो गया लेकिन अभी इक्विपमेंट नहीं निकल रहा, अब हम क्या करेंगे? आपके पास कोई भी आंसर है आप दीजिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा को कैसे करे, इतना ये लोग फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, इतना परेशान है और दिखा नहीं जाता है। दोस्तों ये सिर्फ ये सेलिम का मामला नहीं है, इस जैसा हजारों सेलिम का, हजारों भाई का ये प्रॉब्लम है, सबके एक ही रिक्वेस्ट है आप जल्दी से फॉर्म निकाल दो, आप फियर हो अब ले लो। दोस्तों आपके मतलब एसएससी के पास की इतना नफरी नहीं है, नहीं है तो बोल दीजिए ना सर जी, आप तो प्राइम मिनिस्टर है, आप बता दीजिए हम लोग इंडिया के लिए ये भी करने के ये कर सकते हैं, जो 6 महीना फ्री में काम करो, कोई तंगा नहीं लेंगे, देश पहले आगे बढ़े उसके बाद हम लोगों को सिलेक्ट हो। दोस्तों अभी जितना भी प्रॉब्लम चल रहा है सिर्फ बेरोजगारी लेके, और बेरोजगारी ये मुद्दा बहुत छोटा नहीं है, ये हर घर घर में है, सिर्फ चुनाव के टाइम ये मुद्दा लेके कोई राजनीतिक दल एक बेकारों के साथ खिलवाड़ नहीं करे, वो लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे घर में जो भाई बहन है सबके लिए जो नेचुरल वे है वो तैयारी करो,
तो उम्मीद है आप लोगों का भी सेम प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जय हिंद, सब खुश रहो। दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, ये टेक्निकल फॉल्ट था, तो उसके लिए माफी चाहते हैं हम। जय हिंद, जय हिंद।